عليكم ورحمة الله وبركاته। तो आज की जो मीटिंग है ये हम तकरीबन बहुत टाइम की बात कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया था कि हम कम से कम मिनिमम आफ्टर 3 डेज मीटिंग करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने वेडनेसडे को रखा था यहाँ कि वेडनेसडे और संडे को हम करेंगे, लेकिन आपको पता है कि वो इंटरनेट का बीच बीच में कभी यहाँ पे वो प्रॉब्लम रहती है, जो इंटरनेट सर्विस यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो उस वजह से फिर वेडनेसडे को मीटिंग नहीं हुई। आज हम आफ्टर 1 वीक मीटिंग कर रहे हैं, जबकि मैं देख रहा हूँ कि पूरे इंडिया में लीडर्स रेगुलरली मीटिंग्स कर रहे हैं ग्रुप्स में, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी उनके आ रहे हैं। तो हमें इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और इन चीजों को हल्के से नहीं लेना है। ये एक वाइटल पार्ट है इस बिजनेस का, मीटिंग, और मीटिंग में हमें बढ़ चढ़ के शिरकत करना है और अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा इस मीटिंग के साथ जोड़ना है, क्योंकि यही एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आज के टाइम में, जो हम टीम तक पहुंच सकते हो, टीम को हम अपडेट कर सकते हैं। तो आज हमने डिसाइड किया है कि आज का जो प्रोग्राम रहेगा ये DGW का प्रोग्राम रहेगा। तो संडे को बेसिकली आज प्रोग्राम अल्ताफ साहब को लेना था, क्योंकि अल्ताफ साहब की हेल्थ पिछले कई दिन से ठीक नहीं है, और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द वो सेहतियाब हो जाए और क्या इस तीन से जरूरत सठा ऐसे अल्लाह तला का इस्तेमाल था उन बिल्कुल बसियत सलामत अल्लाह तला का इस्तेहन सख्त था उन मौजूद ऐसे इनशाला। तो कैसे या सही यथ हेल्थ चैलेंजेस मुझ तुम बिजनेस करान मे बसान कि ये एक मतलब यूनिक एग्जाम्पल वुचान कि मतलब मैं उनको सल्यूट करता हूँ उनकी डेडिकेशन को। मगर अल्ताफ साहब अक्षम रिक्वेस्ट है कि आज के बाद आप पूरा प्रिकॉशन लोगे और बिल्कुल अननेसेसरी नहीं रूप गरी नबर कह, तो बे अगर कुछ साथ प्यो तो नरुन तथ मज तुम बिल्कुल मास्क सैनिटाइजर और ग्लव्स वगैरह यूज तो गोड़ नीर तुम सहल सहल तम कह कम पूरे रिकवर ग इनशाला। आज जो मीटिंग है हमने सोचा था कि जो मीटिंग का हम वो थोड़ा हम इसके वो चेंज करेंगे, इसका जो हम हमारी जो स्ट्रेटजी हुआ करती थी हम एक नॉर्मल मोटिवेशन पे फोकस कर रहे थे, हम ज्यादा टीम को मोटिवेशन दे रहे थे और टीम को ज्यादा पॉजिटिवनेस, लेकिन अब जरूरत है टीम को नॉलेज की, अब टीम को एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि बिना एजुकेशन बिना नॉलेज के हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते, और वो नॉलेज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज। और आज का जो प्रोग्राम है ये DTW प्रोग्राम है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप में क्या है कि यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, और इस बिजनेस में 6 बेसिक्स हैं, उसके बाद कुछ कोर स्टेप्स हैं और कुछ कॉर्डिनल रूल्स नेवर्स वगैरह जिसमें आते हैं, वो हमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम बेसिक्स की बात करेंगे, और बिना बेसिक्स के हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। आज मैं आपको वेलकम करता हूं इस DTW प्रोग्राम में है, DTW प्रोग्राम में, और जिस DTW का जो पहला सेशन हम इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 बेसिक्स से। ये बेसिक जो है ये बिल्कुल जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो पहले हमें ABC से स्टार्ट करना पड़ता है, या उर्दू में हम हरूफ तेजी अलिफ़ से, या जो हिंदी में बेसिक जो वहां से हम स्टार्ट करते हैं, और वहीं से स्टार्ट करके हम फिर बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल कर सकते, फिर बड़ी बड़ी डिग्रियां हमें हासिल होती हैं, लेकिन बेसिक वही है। और आज जो नेटवर्क मार्केटिंग का अगर हमें RCM में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है तो हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि ये जो बेसिक्स हैं आप इसका स्क्रीनशॉट उठाए, अगर स्क्रीनशॉट अगर आपके पास डायरी पेन है तो प्लीज इनको नोट कीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। और अगर आपको कामयाब होना है इस इंडस्ट्री में तो प्योरली 100% आपको यही बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो पहला बेसिक है इसमें हम उसकी बात करेंगे, ठीक है ना सर? तो जो पहला बेसिक है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है, तो उसमें जो पहला बेसिक, हाँ जावेद साहब, पहला बेसिक जो 6 बेसिक्स में जो हम पहला बेसिक उस पे हम आ जाते हैं। पहला बेसिक है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। आप जैसे स्क्रीन पे देखते हो, पहला जो हमारा बेसिक है जो एक कोर स्टेप भी है और बेसिक भी है, इसमें कि हमें जो प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का इसको यूज करना है और इसको प्रमोट करना है। इसके पीछे भी एक लॉजिक छुपा हुआ है, इसके पीछे भी एक साइंस छुपी हुई है,
क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाओगे तो आप उसकी बात भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहते हैं ना कि लोग वो नहीं करते हैं जो आप करते हो, कहते हो लोग वो करते हैं जो आप करते हो। क्योंकि ये बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन है, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आपको यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम योरसेल्फ। तो जो भी कोर स्टेप, जो भी आपको पहले खुद से इंप्लीमेंट करना है, अगर आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, आपने हेल्थ गार्ड को यूज किया, आपने बाकी प्रोडक्ट्स को यूज किया और आपको पता चला कि प्रोडक्ट में कितना दम है, प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, तभी आप उसकी आगे बात कर सकते हो। एंड इसमें और एक चीज है कि ये प्रोडक्ट को हमें यूज क्यों करना है, क्योंकि वी हैव टू बी लॉयल टू आवर सिस्टम। देखो, अगर हमें रॉयल्टी आरसीएम से चाहिए तो हमें टाटा का नमक घर में नहीं आना चाहिए। अगर हम रॉयल्टी चाहते हैं आरसीएम से आए तो बजाज का प्रोडक्ट हमारे घर में नहीं आना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस का आरसीएम से मिले, हमारे लाखों की इनकम आ जाए, तो वो ऐसे नहीं आ सकते हम पीर और पीमारे घर में लाए। इसमें सबसे जो बेसिक जो है, पहला जो इसमें है वो है कि हमें वी हैव टू बी लॉयल, हमें वफादार रहना है अपनी कंपनी की तरफ, अपने प्रोडक्ट्स की तरफ। और ये प्रोडक्ट जो है, हमारा प्रोडक्ट तो शानदार प्रोडक्ट है, आपको पता है हमारे प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा रेंज है। ये रेंज पूरे इंडिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और उस प्रोडक्ट को हमें 100% यूज करना है। हाँ, अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है वो तो जाहिर सी बात है मार्केट से ला सकते हैं, जैसे कि नून चाय छनासिम के अवेलेबल किए तो नून चाय हम मार्केट से ला सकते हैं, या बदियान थोड़े से अवेलेबल किए तो बदियान हम मार्केट से बदियान वो पाउडर सौंफ पाउडर ला सकते हैं। लेकिन जितना प्रोडक्ट आरसीएम में है, जितने प्रोडक्ट आरसीएम में है, तो वही प्रोडक्ट हमारे घर में आना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे गलत का प्रोडक्ट हमारे घर में आया, जानोगे सर्विस घर चूर अक डाकू, क्योंकि लक्स से आपके घर से पैसे चले जाएंगे लेकिन सेंसेशन से आपके घर में पैसे आए। आरसीएम के प्रोडक्ट से आपके घर में पैसे आएंगे और डब्ल्यूएसएम के प्रोडक्ट से आपके घर से पैसे चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि पहला प्रोडक्ट, पहला जो हमारा बेसिक है, इसको हमें बिल्कुल क्लियरली इसको एक्सेप्ट करना है, इसको आंख बंद कर ले एक्सेप्ट करना है और इसको हमें फॉलो करना है। पहले प्रोडक्ट को यूज करना है और इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो अपनी दुकान की पिक यहाँ पे लगी हुई है, यही अपनी दुकान हम स्टार्ट करते हैं और इस अपनी दुकान से हम खुद भी प्रोडक्ट यूज करते हैं और लोगों में भी प्रोडक्ट शेयर करते हैं, और धीरे धीरे हमारी कस्टमर बेस बन जाती है। कस्टमर बेस बनने से हमारी आईडी पे, जो हमारी आईडी होते हैं उस पे सेल्फ रिपर्चेज का बिजनेस बढ़ जाता है, और जो ही सेल्फ रिपर्चेज का बिजनेस बढ़ेगा तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। हाँ, हमें अगर इंस्टेंट इनकम चाहिए, अगर हमें इमीडिएट इनकम चाहिए, अगर हम जल्दी इनकम पाना चाहते हैं तो वो हमें रिटेलिंग से ही मिलेगी। तो रिटेलिंग पे हमें फोकस करना है और प्रोडक्ट यूज पे हमें फोकस करना है। तो अब आएंगे हम जो सेकंड कोर्स, ये सेकंड बेसिक है। तो सेकंड बेसिक की हम बात करेंगे तो इसमें क्या है कि जो पहला बेसिक, इस पहले बेसिक को हमें 100% फॉलो करना है। अब आप देख सकते हो कि जो दूसरा बेसिक है ये है लिस्ट मेकिंग, क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये नेटवर्क का बिजनेस है। कल आपकी नेटवर्क में दो लोग आ जाएंगे, फिर चार हो जाएंगे, फिर आठ हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, 64, 256, फिर हजारों लोग आ जाएंगे। लेकिन इसमें रॉ मटेरियल जो है, जहां से ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा वो लिस्ट से होगा। हाँ, अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे हो तो आप रॉ मटेरियल नहीं ढूंढ रहे हो, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। जब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये बिजनेस है, ये पीपल्स फ्रेंचाइज का बिजनेस है। यहाँ पे जो ये लोगों का बिजनेस है, यहाँ पे जो हमारा रॉ मटेरियल है वो लोग हैं, और लोगों का लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। और ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट फिर बाद में चेंज भी होते हैं, आपका फिर ड्रीम का लिस्ट होगा, आपके प्रायोरिटीज का लिस्ट होगा, लेकिन जो बेसिक में जो लिस्ट होगा वो आप कितने लोगों को जानते हो। इसमें आपके अगल बगल के हमसाय इंसनासन वो लोग हो सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूशन में जो आपके साथ पढ़ते थे वो हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके जो एम्प्लॉय जो आपके साथ नौकरी करते हैं वो हो सकते हैं, आपके जैसे वो ड्राइवर डेंटिस्ट वगैरह उस कैटेगरी में आते हैं जो आपको सर्विस देता है, कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, वो लिस्ट हो सकता है, किसी से आप रोटी लेते हो, किसी से आप किराना स्टोर है, वो आपके लिस्ट में हो सकता है। अगर सारा वो लिस्ट आके फिर आपको अपने लिस्ट को अपडेट करना है,
उस लिस्ट को बढ़ाना है। अगर आपका 20 लोगों का लिस्ट बन रहा है, सारे वो दोस्त रिश्तेदार वगैरह जो, उसके बाद हमें क्या करना है, अपने लिस्ट को इंक्रीज करना, अपडेट करना। वो कैसे कर सकते हैं, वो हम स्ट्रेंजर्स को मिल सकते हैं, दोस्ती नए लोगों के साथ करनी है, उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, उनके साथ हाय हेलो करके फिर उनको अपने लिस्ट में लाना है। तो अपना आपका लिस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आपका इमीडिएट में चाहता हूं कि कम से कम जो नया व्यक्ति हो उसको 20 लोगों का लिस्ट उससे बनाओ, तो नो नफर ज्वाइन करना, कम से कम उसके 20 लोगों का आप लिस्ट बनाओ। अगर उसके पास 20 लोगों का लिस्ट आ जाएगा तो एक रॉ मटेरियल खड़ा, अब उसको उसको एक टारगेट गोल सेट हो गया कि आप इन 20 लोगों के साथ हमें प्लान शेयर करना है, तो वो 20 व्यक्ति उनके साथ हम प्लान शेयर करेंगे तो उनको हम बिजनेस में ला सकते हैं। कोई आ जाएगा, कोई उसके बाद आ जाएगा, लेकिन जब आपका लिस्ट होगा, हमें बड़ा नाज होता है अपने दिमाग पे कि मशवार यहाँ लग जाना, लेकिन ह्यूमन मेमोरी इज टू शॉर्ट। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इसी कुछ साथ दो की दिमाग समझ मेमोरी, सब कुछ याद नहीं रहता, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। जो रिटन में होता है, जो लिख के हमारे डायरी में होता है, वही काम वही उसी से काम बन जाता है। तो जो दूसरा है, हमें लिस्ट मेकिंग पे काम करना है, ये खुद भी करना है, अपने लिस्ट को बढ़ाना है, और अपने टीम में जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हो तो इमिजिएटली जो आप काम करोगे दूसरा बेसिक पे, आप उसका लिस्ट बनाओ, उसको हेल्प कर लो कि मना चकुशी फ्रेंड, चकमची रिलेटिव, चकमची रिश्तेदार, चकमची हमसाय, तो उनका लिस्ट बनाओ और उसको कहो कि आज हम इन दो व्यक्ति के साथ, इन दो लोगों के साथ बात करेंगे। तो इससे काम करना इजी हो जाता है और एक टारगेट ओरिएंटेड काम बन जाता है और कामयाबी डेफिनेटली मिल जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का लिस्ट नहीं होता, उनका यही हाल होता है कि उनका कोई गोल नहीं होता, उनकी कोई डायरेक्शन है, उनकी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती है। तो हम आएंगे लिस्ट मेकिंग के बाद, हमारा जो तीसरा बेसिक है उसकी तरफ हम आएंगे। पहला बेसिक आपको पता है, जैसे यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, और दूसरा बेसिक था लिस्ट मेकिंग। अब तीसरे बेसिक जो इस बिजनेस का जो तीसरा बेसिक है, जो फाउंडेशन है इस बिजनेस के, दैट इज कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। अब आपके पास लिस्ट है, अब उस लिस्ट को क्या करना है, उसको घर में देखना ही नहीं है, अब उस लिस्ट पे काम करना है। वो लिस्ट पे काम कैसे होगा, हाउ वी कैन वर्क ऑन आवर लिस्ट, करना क्या है उसको, एस मच नेटवर्किंग की तरफ आ रही हो, आपने लिस्ट बना दिया, अब लिस्ट में आपका रॉ मटेरियल आपके हाथ में है, अब उस पर एक्शन होगी उस लिस्ट पे, और एक्शन क्या होगी, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। अब उनको कॉन्टैक्ट करना है, फोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फिजिकली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वाय ईमेल, व्हाट्सएप, जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इनवाइट। इनवाइट कहाँ करना है, इनवाइट उनको किसी मीटिंग में, जैसे आज की जूम की मीटिंग है, आप इसमें भी मीटिंग जूम में उसको कर सकते हो इनवाइट, आप उसको घर में इनवाइट कर सकते हो, घर में प्लान शेयर कर सकते हो, अपनी दुकान दिखा सकते हो, ठीक है ना सर, अपनी दुकान दिखा सकते हो और अपनी दुकान में हम आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट का मतलब है कि हमने जब लिस्ट बनाया तो लिस्ट में उनको आप कॉन्टैक्ट करना है, उनको मिलना है, आप फिजिकली भी मिल सकते हो, आप फोन पे भी बात कर सकते हो, आप उनको किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू भी उनकी तक पहुंच सकते हो, और उनको हमें इनवाइट करना है किसी मीटिंग में, चाहे वो आप खुद मीटिंग अरेंज कर रहे हो अपने घर पे, या उसके घर में जा रहे हो, या उसको जूम मीटिंग में ला रहे हो, या अपलाइन के मीटिंग में उसको ला रहे हो, या किसी सेमिनार में ला रहे हो, किसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में ला रहे हो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप में ला रहे हो, मतलब यही है कि कॉन्टैक्ट करके हमें उसको इनवाइट करना है किसी प्रोग्राम में। क्योंकि जब वो इनवाइट होगा तो डेफिनेटली उसके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर होगी, जब उसके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर हो गई, जब उसके साथ प्लान शेयर हो गया, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका डिसीजन बन सकता है, तो डिसीजन बन सकता है, तो हमारा नेटवर्क इसी से बढ़ेगा। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो बेसिक को ही छोड़ देते हैं। भला मुझे बताओ, अगर हम बड़ा करना चाहते हैं, हम अगर आईएएस करना चाहते हैं, आईपीएस करना चाहते हैं, हम एबीसी से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम कहां पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो बेसिक से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो स्कूल नर्सरी क्लास से स्टार्ट करके फिर हमारी जो जर्नी होगी कामयाबी की तरफ, वो स्टार्ट होगी।
जब हम पहला ही बेसिक स्टार्ट नहीं करेंगे तो बिस्क को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो इसके बाद हम आ जाएंगे, तीसरा है हमारा जो कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। अब चौथे बेसिक पे हम आ जाएंगे, चौथे बेसिक पे हम आ जाएंगे, ये है रीढ़ की हड्डी इस बिजनेस का, बैकबोन इस बिजनेस का, उसको कहते हैं शोधे प्रणाम। हमने उसको इनवाइट किया और आप इनवाइट करके क्या करना है, उसको खाली चाय नहीं पिलाना है, उसको हमें खाना नहीं खिलाना है, उसके साथ हमें वो कोई जोक मस्ती नहीं करनी है, अब उसको सीरियसली हमें प्लान शो करना है। जैसे कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में, आप देख रहे हो कि प्लान शो कर रहे हैं एक अच्छे 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 एटमोसफेयर में, एक अच्छे माहौल में हम उनको प्लान दिखा सकते हैं। देखो हमारी कंपनी का ये प्लान है, इसमें जो मिडल मैन है इस तरह हमारी इस तरह की परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, इस तरह की रॉयल्टी मिलती है, इसमें रॉयल्टी में हमें 3% 6% इसी तरह वो जैसे गोल्ड स्टार गोल्ड प्लेटिनम स्टार प्लेटिनम रॉयल्टी मिलती है, उसके बाद हमें 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। सारा प्लान समझा के हम उसको अच्छी तरह कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि जब हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और शो द प्लान रीड की हड्डी है। अगर आपके बिजनेस में मोर प्लान हो रहे हैं तो आपका मोर बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस, क्योंकि ये प्लान जितने प्लान शो हो जाएंगे उतना बिजनेस बढ़ेगा, अगर प्लान ही शो नहीं होगा तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मेरे दोस्त बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की ग्रोथ रुकी पड़ी है कई साल से, कई महीनों से, क्यों? क्योंकि उनके ग्रुप में प्लान शो नहीं हो रहे हैं। ये जाहिर सी बात है कि अगर अगर उनका बिजनेस 40,000 का जाता है, 40,000 का 6 महीने से जा रहा था, आज भी, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वहां पे प्लान शो नहीं। अगर प्लान शो होगा, कंटिन्यूअसली प्लान शो होगा, तो डेफिनेटली वो बिजनेस 40 का नहीं, वो 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें इन चीजों पे बहुत ही फोकस करना है। क्योंकि आप बहुत, हमने मोटिवेशन पार्ट पे हमने बहुत काम किया, हमने मोटिवेशन बहुत हमारे पास है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी मोटिवेशन पड़ी है, मोटिवेशन ही खाली कामयाबी नहीं दे सकते, इसमें एजुकेशन और नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो एजुकेशन और नॉलेज स्टार्ट होती है वो बेसिक से ही स्टार्ट होती है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया था कि आज हम 6 बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये जो चौथा बेसिक है ये है शो द प्लान। तो प्लान फिर कैसा होना चाहिए वो हम बाद में DTW में, ये हमें जो कोर स्टेप्स है उस कोर स्टेप्स में आपको बता दूंगा कि हमारा प्लान कैसा होना चाहिए, कैसे हमें अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर आप 100 प्लान दोगे तो 100 में से 100 यस कैसे आ सकते हैं, अगर आप, कई लोग क्या कोर करते हैं कि 100 प्लान देते हैं तो 10-15 यस करते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं 100 प्लान देते हैं 100 के 100 ज्वाइन हो जाते हैं। तो वो 100 के 100 ज्वाइन करने का है मेरे पास एक फॉर्मूला, वो हम नेक्स्ट जो DTW होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो चौथा है शो द प्लान, तो हमें क्या करना है, रिवाइज करेंगे। पहला जो है वो है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं करना है, और प्रोडक्ट को प्रमोट भी करना है, प्रोडक्ट की बात करनी है। दूसरा क्या था हमारा, लिस्ट। तो दूसरा, अगर प्रोडक्ट हमने बना दिया तो उसके बाद हमें लिस्ट मेकिंग, तो लिस्ट हमारा प्रिपेयर हो गया पूरा, तमाम लोगों का लिस्ट हमारे पास आ गया। अब उसके बाद तीसरा, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, क्या अब हमें उनको क्या करना है, इनवाइट करना है, कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट करना और इनवाइट करना, उनको मिलना है, उनके साथ बात करनी है और उनको इनवाइट करना है, उनको दावत दे, दावत दे के क्या करना है। चौथा जो बेसिक स्टार्ट होगा वो है शो द प्लान, और हमें उनके साथ प्लान शो करना है, चौथा बेसिक। अब आप आ जाएंगे पांचवे बेसिक, किसी का वो माइक्रोफोन अभी ऑन है प्लीज बात नहीं करेगा कोई भी, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं कोई साइड टॉकिंग नहीं होनी चाहिए प्लीज। अब होस्ट का बार बार कैसे सबों को म्यूट करेगा, लेट्स बी थोड़ा डिसिप्लिन का मुजाहिरा करेंगे। तो चौथा जो था हमारा शो द प्लान, अब हम पांचवे बेसिक पे आ जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब उस पे हमें फोकस करना है। ये 4 बेसिक हो गए, अब फिफ्थ बेसिक पे होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम मार खाते हैं। पांचवा बेसिक है फॉलो अप, और मेरा मानना है जिस लीडर का जितना स्ट्रांग फॉलो अप है उसका इतना बड़ा बिजनेस है, उसका उतना स्ट्रांग बिजनेस है। फॉलो अप का मतलब है कि आप बंदे के पीछे लग जाना है, आप उसको पकड़ना है, आप उसको छोड़ना नहीं है, उसको दोबारा मिलना है। कई बार क्या करते हैं कि हमने किसी को प्लान दिया, उसका मूड ठीक नहीं था, उसके घर में हालात ठीक नहीं थे, उसका फाइनेंशियल वो बर्डन था घर के, उसको अपने मिसेज वाइफ के साथ वो कुछ होते हैं घर में, कुछ हालात ठीक नहीं थे,
तो उस सिचुएशन में आपकी बिजनेस प्लान की तरफ वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा और वो आपको यस नहीं कर सकता। ही इज नॉट इन अ प्रॉपर मूड टू स्टार्ट द बिजनेस। वो खुश होना है, मैं चूंकि टेंशन परेशानी आऊंगी बिजनेस। अब क्या करना है उसमें, आपने अब उसको दोबारा मिलना है, फॉलो अप आप ले सकते हो, उसको दोबारा मिलना, उसको फोन पे फॉलो अप लेना है। कई बार क्या होता है कि हम प्लान देते हैं उसके बाद हम मिलते नहीं। प्लान के बाद क्या होता है कि साथ इस मीटिंग दिमागी मीटिंग में बहुत बंदा एक्साइटेड होता है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम फॉलो अप नहीं ले रहे हैं, तो धीरे धीरे वो 24 घंटे 48 घंटे में वो फिर साइकोलॉजिकली फिर डाउन होता है। फॉलो अप लेना होता है 24 to 48 hours, 24 से लेकर 48 घंटे तक। 24 घंटे पता 48 घंटन अंदर अंदर का सो एश्यूम फॉलो अप, तेमिस दुबारा नहीं आउन, तेमिस बे सजेशन रटन, तेमिस बे फीडबैक रटन, तेमिस क्या जिम साहब तेमिस तो बे फीडबैक रटन छु क्या करो तो करस करो स्टार्ट के लिए। क्या जिस तरीके से आप कर सकते हो तो उसका डिसीजन बन पाता है। और ये फॉलो अप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग फॉलो अप नहीं करते हैं, अप्लाई बहुत गजब का सेमिनार देता है लेकिन फॉलो अप नहीं होता है और उसके कम रिजल्ट आते हैं। कई बार कुछ ऐसे होते हैं कि इमोनाइज फॉलो अपन उतने अच्छे लीडर्स, उनकी उतनी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होती, उनकी उतनी नॉलेज ठीक नहीं होती, लेकिन जो लीडर लोकल लीडर होता है वो फॉलो अप लेता है और फॉलो अप दोबारा कंटिन्यूअसली दोबारा उनको मिलता है, उनके साथ टच में रहता है, उनके साथ कम्युनिकेशन करता है, उनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क खड़ा होता है। तो फॉलो अप भी एक इम्पोर्टेंट, फॉलो अप का मतलब है दोबारा मिलना, दो ही में फिर मिलना। फोन पे भी मिल सकते हैं हम, फिजिकली भी मिल सकते हैं हम, उसके घर जा सकते हैं हम, उसको कहीं बहुत सारे तरीके हैं फॉलो अप लेने के। और फॉलो अप हमें कंटिन्यूअसली पूरी स्टेज पे लेना है, हमें फॉलो अप खाली ज्वाइनिंग का नहीं लेना, काम का लेना है। अगर आप टारगेट दे रहे हो अपनी टीम को, आपने दिया कि हमें टारगेट कर लेना है पहुंचे कुछ, मतलब एनिवर्सरी का सनवाजी डिजिटल बहुत गजब की एनिवर्सरी जो आपने कभी देखी नहीं होगी, उस पे आप उसके लिए कुछ टारगेट्स आ जाएंगे, उस टारगेट का हमें एज अ अप्लाई और फॉलो अप लेना है। टारगेट था खुद वो जो थी, किसी की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, तो उस फॉलो अप उसको हमें फॉलो अप लेना, हर स्टेज पे हमें फॉलो अप लेना है। वक्त पिछले 70 साल से इंडस्ट्री पूरे दुनिया में बहुत जबरदस्त तेजी के साथ चल रही है, ये बिजनेस ग्रो हो रहा है बहुत गजब के साथ। अब जो आज डायमंड बन चुके हैं, स्टार डायमंड बन चुके हैं, जिनके खुद के एयरक्राफ्ट हैं आज पूरे वर्ल्ड में, ये मोस्ट रोड मैप बनो डेफिनेटली हमें भी उन्हीं को फॉलो करना है। अच्छे पानू दिमाग चलावा, अच्छे दबाव ऐसे था कि फिर हम जब चोट खाते हैं उसके बाद हमें बहुत टाइम लगता है ग्रो होने में। तो पांचवा बेसिक जो है ये है फॉलो अप। तो फॉलो अप के बाद हम सिक्स जो हमारा लास्ट बेसिक इसमें है हम उस पे आ जाएंगे, दैट इज स्टार्टअप। जब फॉलो अप ले लिया तो आप उसका मूड बन गया तो आप उसको स्टार्ट कर लो। उसको स्टार्ट करवाना है विद सिस्टम, स्टार्ट करना हूं विद सिस्टम। उसको ये नहीं कहना कि चलाओ अखलेख बचाओ अखलेख, ना ऐसा कुछ भी नहीं। उसको हैंडीकेप्ड मत बना, आपको पता नहीं कि नए व्यक्ति में नए नया जो डिस्ट्रीब्यूटर उसमें कितना पोटेंशियल है, उसमें कितना टैलेंट है। आज लोग 50-50 हजार 20-20 हजार की ज्वाइनिंग करते हैं और करते हैं काम करते हैं। आज वो प्रोडक्ट भी बिकता है उस प्रोडक्ट जन आख या से मामूली प्रोडक्ट छो, मतलब सोप छ 200-300 रुपए में आते, एक वाइटामिन ई क्रीम 1400-1500 में बिकते हैं। आज वो कंपनी भी है जो एलोवेरा जूस 900-1000 में 1 लीटर बिकता है और बेचते हैं, लोग काम करते हैं वहां। वहां क्या होता है कि उनका उनका वो माइंड जो सेटअप है वो उसके लिए तैयार हो चुका है। हम क्या करते हैं कि चलावाज आख लग चलाओ आख लग, ना ऐसा नहीं करना। उसको स्टार्ट कर, स्टार्टअप करवाओ, करवाओ कैसे करो विद सिस्टम। उसको कहो कि बिल्कुल आई एम रेडी टू वर्क विद यू, मैं आपके साथ आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट आपको खुद उठना है, आपको खुद ये करना है। उसको सिखाओ, उसको उसको डुप्लीकेशन पे फोकस, उसको प्लान शोर बनाओ, उसको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे दो, उसको मीटिंग में कहो। बहुत सारे लोग क्या आते हैं मीटिंग को अंडर एस्टिमेट कर, बहुत अच्छे लीडर्स हैं, बहुत है, वो कर सकते हैं लेकिन क्या करते हैं वहां क्या कैसा हो जूम मीटिंग में, लेकिन वो खुद का नुकसान कर रहा है। इसीलिए तो वो पिछले 6 साल से 7 साल से 3 साल से 2 साल से उसी लेवल पे है, वो अपने आप को अपडेट नहीं करवाते। और मैं गारंटी करता हूँ वो टाइम ये बदल, दुनिया तेजी के साथ बदलता है, कुछ बहुत निराले अच्छे लोग आ जाएंगे, फिर उनका कोई एड्रेस ही नहीं होगा। ऐसा मजबूर किया, ये तो मीटिंग करता, ये तो मीटिंग करता,
लेकिन फिर जब ऑप्शंस मिलते हैं काम करने के लिए फिर उनका नुकसान हो जाता है। तो स्टार्टअप क्या करूं कि मोनियम साधन कुर मोची बिजनेस स्टार्ट करना हूं सिस्टमैटिक में सारी सिस्टमिक चीज हम सेटस वार वार हवाल करें एम चाहे तस वन कि दस वन ये तसन बिजनेस कुर से स्टार्ट। अब आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मतलब मीटिंग है डायरी आपके पास होनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट इतना इतना रखना है, आपको रिटेलिंग डायमंड क्लब चीज में जरूरी करूं आपको डायमंड क्लब करना है, अगर आप ये एवरी मंथ दिमोस टारगेट टारगेट पर काम करें तो ये स्टार्टअप एक सिस्टमैटिक मैनर में यह चुना तेमिस तुत का बर्डन थाउन की चची रेतस करूं 50 साल या आखलच ना ना ऐसा नहीं है तेमिस चुना की चची रेतस 50 ज्वाइनिंग नहीं जो हम उनसे जो जो होगा एज पर सिस्टम वही उनसे करवाएंगे। तो दिस वर ऑल अबाउट द सिक्स बेसिक्स। तो हमारे पास अभी 2-5 मिनट क्योंकि मैं थोड़ा इसको जल्दी करवाना चाहता था, अभी 5 मिनट हमारे बचे हैं तो मैं इसको एक बार फिर रिवाइज करना चाहता हूं। तो पहला जो बेसिक था वो है इसमें यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट को यूज करना है उसको प्रमोट करना है। उसके बाद जब ये बात हो गई कि जो नफर ज्वाइन करो तीन लोग प्रोडक्ट यूज करो, अब उसको दूसरा बताना है कि आप अपना लिस्ट बना दीजिए लिस्ट मेकिंग, तो उससे उसका लिस्ट बनाओ उसमें हेल्प करना है उसको लिस्ट, और लिस्ट के बाद अब तीसरा जो आ गया है आ जाएगा त्रीम छुपा था लिस्ट मेकिंग पर कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, आप उसको कॉन्टैक्ट करना और इनवाइट करना है। तो चूरम छुपा शो दे प्लान साथ प्लान जो शो करते हैं उसको एक्सपोजर मिल गया उसको बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिल गई तो उसके बाद हम उसको उसका फिफ्थ शो स्टार्ट होगा फॉलो अप। आप उसको दोबारा मिलना है, हो सकता है कि उसका एक बार डिसीजन ना बने उसको छोड़ना नहीं बार बार मिलना है, और उसको उसके बाद भी अगर डिसीजन भी बना उसके बाद भी उसके साथ हमें कम्युनिकेशन फॉलो अप में रहना है। और उसके बाद जो छठा बेसिक है वो है लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज स्टार्टअप, इसको अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में इसको स्टार्ट करवाना है। तो ये था आज के बेसिक्स। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आज की इस मीटिंग को अटेंड किया। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी जो नेक्स्ट मीटिंग रहेगी वो वेंसडे को रहेगी, वेंसडे। अब आज संडे है, मंडे ट्यूजडे और वेनसडे, वेनसडे 8:30 बजे फिर मिलेंगे हम जूम पे और एक नया टॉपिक लेके आ जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि तब तक आप अपनी टीम को ज्यादा प्रमोट कीजिए, अपने टीम में ज्यादा कुछ हमारे सीनियर साथी भी आज मिस कर रहे हैं मीटिंग को उनके साथ भी कम्युनिकेट करें और उनको भी आप मीटिंग में लाइए। तो और मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ जो आपके साथ शेयर करना चाहता था, ऐसे क्योंकि जो हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि नवंबर का डेट फाइनल हो चुका है एनिवर्सरी का जो है ना, और इस बार जो एनिवर्सरी हो रही है मैंने वीडियो विजय सर का वो वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था यूट्यूब, वो लिंक मैंने दी थी। इस बार एनिवर्सरी एक अनोखे अंदाज में होगी जो कभी अभी तक आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ, उस तरीके से एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा और रॉयल्टी चोर टेक्निकल चोर सबों को स्क्रीन पे जबरदस्त तरीके से पूरे इंडिया में रिकॉग्नाइज किया जाएगा और वो रिकॉर्ड रहेगा फॉर एवर। आप अपने आप को पूरे इंडिया में अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा सकते हो, आप अपनी पहचान बना सकते हो क्योंकि हर किचन में हर घर में लोग आपको देख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये जो 3 महीने हैं जुलाई अगस्त एंड सितंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 3 महीनों में हमें डिसीजन लेना है कि हमें कम से कम स्टार पिन रॉयल्टी पिन पे आना ही आना है। क्या हो जाए कि हमें दिन दुगनी रात चुगनी काम करना पड़े, हमें डबल शिफ्ट में काम करना पड़े, हमें अपने रॉयल्टी को अचीव करने हैं और उसके बाद हमें अपने आप को एनिवर्सरी की उस डिजिटल जो हमारी एनिवर्सरी हो रही है उसमें पूरे इंडिया में पहचान बनानी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो अल्लाह तला से यह दुआ कि आज करें सारी कामयाब तो बेकरीन अल्ताफ सब दृष्टि सेहतियाब। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, असलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम।